दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोस्मो स्केल कोस्मो एंटरप्राइज पर। दोस्तों आप लोगों के सहयोग के लिए फिर से धन्यवाद। दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ रही है वेट को लेके। एक कांटे के अंदर जब हम वजन रखते हैं 30 kg के कांटे को सेट कैसे करें या ओवरलोड की समस्या से कैसे निजात पाएं। जैसे कि मैंने 500 ग्राम बट्टा रखा है तो कांटे ने ओवरलोड दिखा दिया या शोरी शब्द जो लिखा आता है तो उसको हम शॉर्ट आउट कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों हर कांटे के अंदर 4 बटन होते हैं, ध्यान से देखिए 4 बटन होते हैं M+ MR मोड और 0। यह 4 बटन अलग अलग कंपनी के अलग अलग नेम से आते हैं तो इससे घबराना नहीं है। 4 बटन को हम कैसे यूज करेंगे इसको 1 by 1 देखते हैं। कांटे को बंद करके ऑन कर फर्स्ट बटन को दबा के जब हम ऑन करते हैं तो एंटर लिखा आता है। उसी तरह सेकंड बटन को दबा के जब हम ऑन करते हैं तो हेल्प लिखा आता है। तीसरे बटन को दबा के जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर काउंटिंग आती है। काउंटिंग आने के बाद हम अगर उसके ऊपर कुछ वजन रखें तो ये काउंटिंग को बढ़ना चाहिए, ध्यान रखें ये काउंटिंग को बढ़ना चाहिए। चौथा जो बटन है वो 0 का होता है, 0 टेयर ग्रॉस वेट कुछ भी लिखा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग को सेट करने के लिए इसको ऑन करेंगे फर्स्ट बटन से या सेकंड बटन से जिसमें एंटर लिखा आए या पासवर्ड लिखा आए। 0 को बटन दबाएंगे तो देखेंगे हम NF0। यह फंक्शन लीटर और केजी के लिए होता है, जिनको दूध का काम करना होता है उनके का मतलब का ये नंबर होता है। Disk 2, इसको डिस्क को हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। हमें 4 0 चाहिए या डैश डैश चाहिए या .0 चाहिए, तो इसका मतलब होता है खाली स्क्रीन को ऑफ मोड करने के लिए। इसके बाद Speed 1 SPD 1, यह स्पीड का बटन है, कांटे को कितनी स्पीड से आपने चलवाना है। तो स्पीड को 0 या 1 ही रखें, इससे ज़्यादा ना करें, इससे बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो स्पीड को 1 रखें। AO3 ये हवा मार्किंग होता है, मतलब पंखे के दबाव से कांटे में हलचल ना हो। इसको 1 2 3 3 या 4 दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, स्टेप 1 आएगा, उसके बाद में आती है कैपेसिटी CAP 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डॉट डॉट के पास 3.300 लिखा हुआ है, इसलिए यह 500 ग्राम को वेट नहीं ले रहा था। यहाँ पर 30 kg के लिए आपको कम से कम 30,000 बनाना है, कम से कम 30,000 बनाना है 30 किलो के लिए। अगर आपका कांटा 50 किलो का है तो यहाँ पर आपने 50,000 बनाना है। आपका कांटा 80 किलो का है तो आपने बटनों की सहायता से इसको 80 किलो कर देना है, यह 80 किलो का हो जाएगा। और 10 किलो का है तो आपने 10,000 बनाना है। नेक्स्ट जब हम चलेंगे DP 4, यह डॉट का बिंदु का है, जैसे 4 0 आती है तो हमें डॉट कहाँ पर लगाना है। FD 1 2, यह जो 2 FD का डिजिट दिया हुआ है यह ग्राम का होता है, जैसे कि कांटा आपने 2 ग्राम पर चलाना है या 5 ग्राम पर चलाना है, 10 ग्राम पर चलाना है। तो हम 30 किलो में इसको TP 2 FD 2 ही रखेंगे ताकि यह 2 ग्राम के ऊपर चले। यह बैटरी का ऑप्शन होता है, आपकी बैटरी वोल्टेज यानी कि 4 वोल्ट का बैटरी है तो 2.5 वोल्ट से कम आने पर कांटा लो बैटरी दिखाएगा, या इसको नो कर दोगे तो 1 एम्पेयर तक ये बैटरी काम करेगी। फिल 0 रखें, ये कांटा आपका स्टार्ट हो गया। जैसे कि पहले ओवरलोड आ रहा था
अब हम इसके ऊपर वजन रखते हैं तो यह ओवरलोड नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको 10 किलो तक सेट किया है। 10 किलो के बाद यह ओवरलोड आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। अन्य प्रकार की सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दोस्तों, आपको अगर कोई समस्या हो तो कृपया फ़ोन करने से पहले अपने कांटे का एक छोटा सा वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डालें, ताकि कांटे का वीडियो देखकर समझा जा सके भी आपके कांटे में सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।